हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्टिंग ना सीधे दिन से हो रही है और मैं ना अपने गांव में पहुंच चुकी हूं। आज मैं अपने गांव आ रही थी तो वहां से तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मैं ना जल्दीबाजी में आई वहां से, और अब ना मैं अपने गाँव में पहुँच चुकी हूँ। 1 बज रहे हैं और 1 बजे ही मैं पहुँच गई हूँ, और यहाँ पर ना बारिश लगी है, हल्की हल्की बारिश। तो हल्की हल्की बारिश लग रखी है और बारिश का आनंद लेते हुए मैं जा रही हूँ। आजकल के टाइम पे ना बारिश के मौसम में बारिश होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी चौमास लग चुका है और चौमास के टाइम पे ना जब बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बारिश के साथ साथ ना कोहरा भी लगा हुआ है, तो दिखाते हैं आपको एक बार आजकल के मौसम को व्यू। तो गाइस, दिखाते हैं आपको एक बार आजकल का मौसम। तो गाइस, ये जस्ट नीचे जो दिखाई दे रहा है ये है छिड़िया, हमारे गांव का एक हिस्सा, और ये देखिए सामने पहाड़ों पे कोहरा लगा हुआ है। तो गाइस, आजकल ना चौमास का टाइम है, तो चौमास के टाइम पे ना जब मौसम ख़राब होता है, बारिश आती है, तो एकदम कोहरा भी लग जाता है। तो अब तो 2-3 महीने ऐसा ही रहने वाला है कोहरा वाला। और अभी ना मैं नीचे से मतलब गाड़ी से उतर के ऊपर आई हूँ, तो अभी मैं घर में भी नहीं पहुँची हूँ। और तो चलते हैं घर की ओर, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं घर में मेरे मम्मी लोग। और अभी ना बारिश और तेज़ बढ़ती जा रही है और मैंने ना छाता भी नहीं ला रखा है सही में। तो गाइस, अपने घर पे ना मैं पहुँच चुकी हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन है अभी। शंभू जी, क्या खाना है? तो गाइस, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं अभी तक सो रही थी, तो सो के बाहर आई, मतलब उठ के बाहर आई तो देखा कि बाहर ना बारिश बंद हो चुकी है। बारिश पता नहीं कब की बंद हो गई है और ना फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू भी होनी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए मेरे गोदी मार के है टीनू, हमारी प्यारी सी बिल्ली, ये देखिए इसका नाम है टीनू। तो ये अभी छोटा है ना तो हर किसी की गोदी में आ जाता है। हेलो टीनू। तो गाइस, मौसम ना अभी भी वैसा ही बन रखा है, बादल आए हुए हैं आसमान में, बट इसमें ना बारिश नहीं हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे मक्के हो गए हैं, ये देखिए, जैसे कि हम मुंगरी कहते हैं अपने लोकल भाषा में, तो मुंगरी भी इन पे लग भी चुकी है, ये इतने बड़े हो गए ये। और ये है ककड़ी का झाल, जिसे हम कहते हैं, ये है, इस पे ककड़ी लगने वाली है अब, मतलब फूल इस पे लग चुके हैं, ये देखिए फूल इस पे लगे हुए हैं, और फूल के बाद ना इस पे ककड़ी लगनी अब स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ आप मिर्च भी देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े हो गए हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े बड़े हो गए हैं सही में। और इस पे ना मिर्च भी लग रखी है खूब सारी, ये देखिए खूब सारे मिर्च भी लग रखे हैं इन पे। तो गाइस, आजकल के टाइम पे ना सारी चीज़ें घरों में ही हो जाती है, मतलब सब्जी वगैरह, ककड़ी, मिर्च जो भी है, ये सारी चीज़ें चौमास के टाइम पे होता है। तो ककड़ी का झाल आप देख रहे होंगे बहुत ही बड़ा हो चुका है और इसमें ना फूल भी लग गए हैं, तो अब इस पर ककड़ी लगने पे अब स्टार्ट हो ही जाएंगे। और मिर्च बहुत बड़े बड़े हो रखी है जिसपे कि हरी मिर्च लग भी चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी मिर्च यहाँ पर लग चुकी है। और अभी ना वहाँ पर तो कोई है नहीं हमारे घर पर, और शायद इस वाले घर में आर के होंगे शायद सारे, तो देखते हैं क्या कर रही है ये। क्या हो रहा है यहाँ? चोपड़ा करना तो गाइस, यहाँ पे देखिए स्कूल का काम, यहाँ पे स्कूल का काम हो रहा है। क्या बन रही है संजना? ये घर बन रहा है। घर किसका घर? बिल्डिंग बड़ा है सारा, सती का घर सारा, सती जाती है उसमें इसको। तो गाइस जी देखिए, इसने ना अपना होमवर्क करने के लिए इसके पास दे रखा है। तेरा काम है, इसका काम है, किसका काम है?
किस रिलेटेड बना रही चार्ट? तो क्या क्या बनाना है इसमें? बता, टिप्स किसने दिया इसको बनाने के लिए? टिप्स किसने दिया? टिप्स मतलब क्या क्या बनाना है इसमें? एगो स्कूल गार्डन बच्चे सब सब बना लुकिंग अराउंड। तो गाइस ये रहा पुलम का पेड़, और इसमें ना बहुत सारे पुलम आ रखे थे बट सारे झड़ गए हैं। कुछ कुछ बच रखे हैं अब। एनिमल ये मैं उबी दीदी तो नीमा चढ़ रही है बंदर की तरह पेड़ पे। दिख रहे नहीं दिखने पे एक ना सब खत्म है ना कुछ खन का फिकट भाई। तो गैस ये देखिए पुलम, इतने बड़े बड़े पुलम हो रखे हैं इस पे आलू बुखारा। ये पहले जैसे बहुत सारे आ रखे थे ना। तो गैस ये देखिए नीमा चढ़ रखी है पेड़ पे, और अब ना इसमें बहुत कम पुलम बस रखे हैं, गिने चुने ही पुलम से बस रखे हैं अब, बट बड़े बड़े आ रखे हैं। ये कट गया यहाँ से पत्थर की टक्कर से। अरे तो कैसा हो रहा ऋतु यहाँ बता, कैसा हो रहा? खट्टा भी हो रहा? तो गाइस इस वाले घर के बाड़ में भी कुछ बो रखा है मेरी मम्मी ने, कुछ बो रखा है मेरी मम्मी ने, तो आपको बताते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर भी ये छिमूला बो रखा है। ये सारे छिमूला मतलब सेम जिसे कहते हैं उसी की लताएं हैं, जिसके लिए ना सारे के लिए ये लट्ठे मतलब ठांगर कहते हैं हम इसे, इनको लगा रखा है पेड़ को। ये देखिए और ये भी छोटे मिर्च के पौधे हैं। दोस्तों तो अभी ना मैं अपने गौशाला में आ रखी हूँ गाय को बाहर निकालने के लिए। ये है हमारी गाय और वो सामने है उसका बछड़ा। इन दोनों को बाहर निकालने के लिए मैं आ रही हूँ, और बाकी जितने भी हमारे गाय भैंस हैं ना वो मतलब बैल और भैंस बकरी हैं वो सारे डांडा जा रखे हैं, और घर में ये दोनों ही बचे हैं बस। और ये देखिए मेरे साथ आ रही है ऋतु भी। पेड़ पे क्यों चढ़ रही तू? मज़ा आ रहा बोला उसको पेड़ बचाने में। तो गाइस बस ये दोनों ही हैं घर में, और इनके साथ साथ ना एक बकरी भी हमारे घर में ही है नीचे चल रहा है वो, क्योंकि जिस दिन ना हमारे बकरियां डांडा गई थी उस दिन ना ये चल नहीं पा रहा था ढंग से, क्योंकि इसको और बकरियों ने मार दिया था इसलिए ढंग से चल नहीं पा रहा था। तो अभी मैंने इनके लिए धुआं लगा रखा है क्योंकि मच्छर वगैरह आ रहे हैं बहुत सारे, और मौसम ना अभी भी ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही है, वहाँ से जंगलों से बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है। बारिश आने फिर से स्टार्ट वहाँ से हो चुकी है, यहाँ भी आ सकती है, पता नहीं कब तक आएगी यहाँ पर। तो गाइस ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये झाल, इसे हमारे पे झाल कहते हैं। तो ये ना कद्दू मतलब जैसे हमारे हम नॉर्मली तुमड़ा कहते हैं तो उसका ही झाल है, और इस पर ना अभी कद्दू लगे नहीं हैं। कद्दू अगले महीने से लगने शायद स्टार्ट हो जाएंगे, बट बहुत बड़ा झाल इसका हो चुका है वहाँ से लेकर और पूरे यहाँ तक। और साथ ही साथ एक केले देखिए, केले आ रखे हैं केले के पेड़ पे, और सोनी तू भी आ रखी है। ये देखिए कितने सारे केले आ रखे हैं। तो ये रहे दो झुंड, एक झुंड रहा है एक वहाँ पर है, और दो यहाँ पर है, बहुत सारे केले के झुंड आ रखे हैं यहाँ पे। तो गैस देखिए वहाँ से ना बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है, और हल्की हल्की बारिश की बूंद ना यहाँ भी आनी स्टार्ट हो गई है। अरे